मैं डॉक्टर राकेश राय, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, नागालैंड यूनिवर्सिटी, कोहिमा कैंपस, मिरिमा मांगालैंड। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है। एक्चुअली दर्शन का जो आधार है वो है दुख। लेकिन बच्चों, पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द ब्रांचेज ऑफ फिलॉसफी, मीन्स दर्शन की मुख्य शाखाएं क्या है। तो ये मुख्य शाखाएं तीन है। पहला मेटाफिजिक्स, दूसरा एपिस्टेमोलॉजी और तीसरा एक्सियोलॉजी, मीन्स तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, पूर्व मीमांसा। लेकिन इसके पहले दर्शन के कुछ संप्रदाय हैं, स्कूल ऑफ फिलॉसफी। सो स्कूल ऑफ फिलॉसफी डिवाइडेड इन फोर पार्ट्स। पहला आइडियलिज्म मीन्स आदर्शवाद, दूसरा नेचुरलिज्म मीन्स प्रकृतिवाद, तीसरा प्रैग्मेटिज्म मीन्स प्रयोजनवाद, और चौथा यथार्थवाद या रियलिज्म। आज हम फर्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म। सो प्रैग्मेटिज्म ये एक भौतिकवादी और क्रियावादी दर्शन है। यह दर्शन किसी भी आध्यात्मिक सत्ता को नहीं मानता। यद्यपि प्रैग्मेटिज्म का जन्म ग्रीक में हो चुका था, लेकिन इसका एक्चुअली जो श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज द इफेक्टिव प्रोपाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। सो जॉन डीवी ही द इफेक्टिव प्रोपाउंडर ऑफ प्रैग्मेटिज्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म ये प्रैग्मा शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्रिया। इसीलिए प्रैग्मेटिज्म को हम क्रियावाद, व्यवहारवाद और व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं। जैसा कि सबसे जो स्ट्रांग सपोर्टर है प्रैग्मेटिज्म का, वो है विलियम जेम्स। और विलियम जेम्स ने एक जगह कहा है, क्या सत्य ही उपयोगी है, उपयोगी ही सत्य है, मीन्स ट्रूथ इज यूजफुल एंड यूजफुल इज ट्रूथ। प्रयोजनवाद का बेस क्या है, क्योंकि हर संप्रदाय का कुछ न कुछ आधार है। तो प्रयोजनवाद के तीन बेस है, पहला एक्सपीरियंस, दूसरा चेंज, तीसरा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आखिर व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन सिस्टम। हमारे शैक्षिक दर्शन में प्रैग्मेटिज्म का क्या योगदान है। तो इन योगदान को दो भागों में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट प्रयोजनवाद की तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा मीन्स मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रैग्मेटिज्म किसी भी आध्यात्मिक तत्व को नहीं मानता। आध्यात्मिक तत्व मीन्स ब्रह्मा, जीव, जगत, ईश्वर। इसके अनुसार सारे तत्व क्रिया का परिणाम है। इसलिए प्रयोजनवाद का मानना है कि संपूर्ण ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स द रिजल्ट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद का ज्ञान मीमांसा। प्रयोजनवाद का ज्ञान का आधार बुद्धि न होकर अनुभव होता है। यह कहता है कि ज्ञान हम अनुभव के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, सहानुभूति क्रियाओं के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट इज द सेंसेस, इंद्रियां क्या हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां होती हैं। नेक्स्ट, कि व्हाट डू मीन बाय एक्सियोलॉजी। व्हाट इज एक्सियोलॉजी अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। एक्सियोलॉजी मीन्स मूल मीमांसा। प्रैग्मेटिज्म किसी भी सार्वभौमिक मूल्य को नहीं मानता। कहता है कि सार्वभौमिक मूल्य में विश्वास करने का मतलब कि हम किसी भी प्री डिसाइड तत्व को मानते हैं, जो कि यह संभव नहीं है। इसलिए कहता है कि मूल्य का निर्धारण किसी भी व्यक्ति के परिणाम से आधारित होता है। इसलिए ट्रूथ कैन बी डिसाइडेड बाय रिजल्ट। नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। एजुकेशन किसी भी स्पिरिचुअल, मॉरल एंड किसी भी यूनिवर्सल एजुकेशन को नहीं मानता। इसलिए प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा हुआ है जो समाज की संस्कृति को संरक्षण, प्रसार और विकास करती है। इट मीन्स कि शिक्षा के द्वारा सामाजिक प्राकृतिक वातावरण में संयोजन करने की क्षमता हो। प्रयोजनवाद के कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, सत्य या मूल्य परिवर्तनशील है। इट मीन्स चेंज, ट्रूथ कैन बी चेंज, इट इज नॉट परमानेंट।
पूरे यथार्थता का जो अनुभव, यथार्थता का जो केंद्र बिंदु है वो है अनुभव। और चूंकि ये व्यवहारिक परिणाम में विश्वास रखता है, इसलिए इसका तीसरा सिद्धांत है कि ये मानवतावाद में विश्वास रखता है। प्रयोजनवाद का कोई भी संबंध अतीत से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार जो कुछ करेंगे अगर वो परिणाम हमारे लिए शुभ है तो वह सही है, इसलिए वर्तमान और भविष्य में विश्वास करता है। लचीलापन में विश्वास मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। इन्वर्सन एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटी में अविश्वास मीन्स यह किसी भी स्पिरिचुअल एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी में ये बिलीफ नहीं करता। और लास्ट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्रिया पर विश्वास मीन्स एक्शन इज द की वर्ड्स ऑफ द प्रैग्मेटिज्म। व्हाट इज द टीचिंग मेथड? यह टीचिंग मेथड क्रिया द्वारा एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत और लास्ट में जो सबसे प्रमुख है वो है योजना विधि का सिद्धांत। व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स? तो प्रैग्मेटिज्म टीचर को एक शिक्षक, एक फिलॉसफर न मानकर ये मानता है कि एक ये पथ प्रदर्शक है। टीचर हमेशा हमें विधियों और पाठ्यक्रम में सुधार करने के लिए सलाह देता रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म? यह सामाजिक अनुशासन का समर्थन करता है। लास्ट क्वेश्चन कि प्रैग्मेटिज्म का शिक्षा में क्या कंट्रीब्यूशन है? आज अस्तित्ववाद का आधार है हमारा प्रैग्मेटिज्म। इसलिए प्रयोजनवाद ने बालक को शिक्षा को केंद्र मानकर उसके महत्व को स्थापित किया है। प्रयोजनवादी अपनी शिक्षा योजना के द्वारा बालकों के व्यवहारिक जीवन के तैयार करता है और लास्ट प्रयोजनवाद ही शिक्षा के मनोवैज्ञानिक विधि को प्रोत्साहित करती है। एंड लास्ट, प्रयोजनवाद ने शिक्षण के अनेक नवीन विचार दिए हैं जिन्होंने कार्यप्रणाली को, सत्यता को, परिणाम पर बल दिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद सभी दर्शन के सिद्धांतों का मूलभूत केंद्र बिंदु है। थैंक्स, धन्यवाद।